हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं जॉब डिटेल #10, जो कि है MP पोस्टल सर्किल की, जिसमें निकली है GDS की भर्ती। GDS मीन्स ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियाँ, जो कि है 2411 पोस्ट है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 19 जनवरी 2018 से, और जिसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी 2018। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप जल्दी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी एज और क्या है इसकी डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंपोर्टेंट डेट क्या है इसकी, 19 जनवरी 2018 को स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 19 फरवरी 2018 है। इसमें जो एज रहने वाली है वो है 18 साल से 40 साल तक के लिए है। इसमें आपको छूट भी मिलेगी OBC को 3 साल के लिए, SC ST को 5 साल के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर के लिए छूट एज में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो नेम ऑफ द कैटेगरी में क्या है कि आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 918 पोस्ट अवेलेबल है, OBC के लिए 358 पोस्ट है, SC के लिए 392 पोस्ट है, ST के लिए 647 पोस्ट है, एंड फिजिकल हैंडीकैप, ओरल हैंडीकैप एंड विजुअल हैंडीकैप के लिए 35, 34 एंड 27 पोस्ट अवेलेबल है। एंड देन नेम ऑफ द डिवीजन, जो भी MP में जो डिवीजन में डिवाइडेड है ये, उसके हिसाब से इन्होंने पोस्ट को डिवाइड किया हुआ है कि कौन से डिवीजन में कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो मिनिमम पासिंग जो एजुकेशन रखी गई है वो 10th लेवल रखी गई है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलेगी यदि आप एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं। मान लीजिए आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसमें छूट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मिनिमम 10th ही रखी गई है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपने 60 दिनों का कोई कोर्स, ट्रेनिंग कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो आप इसके भर्ती के लिए भरने के लिए एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा यदि आपने 10th या 12th में अगर आपने कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस जो है इसमें वो 100 रुपीज रखी गई है, वो जनरल एंड OBC के लिए है। बाकी फीमेल, SC ST एंड PH के लिए कोई फीस नहीं है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, उसको फीस में छूट रहेगी। आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं? सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट है इसकी http://indiapost.gov.in से, या फिर http://appost.in/gds-online पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पे डालना होगा, उसके बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको डिटेल्स भरनी है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी स्कैन करने होंगे, जिसमें आपकी मूल निवास हो गया, जाति हो गया, 10th की मार्कशीट है, ये कंप्यूटर कोर्स और सर्टिफिकेट है, ये सब स्कैन होंगी। उसके बाद जब आप फीस भरने के बाद सबमिट करते हैं तो उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट लेके अपने पास फ्यूचर यूज के लिए रख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी MP के पोस्टमैन से रिलेटेड। अगर कोई और नई न्यू भर्ती आती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फॉर मोर वीडियोस गो टू लिंक www.youtube.com/A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।